वे टू अर्न मनी, पैसा कमाने के साधन क्या है, नंबर एक जॉब, दूसरा क्या है बिजनेस। दो ही तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, नौकरी करते दूसरे बिजनेस करते हैं। अगर कोई जॉब करता नौकरी करता तो नौकरी में क्या चाहिए, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा क्या है, टाइम पंचुअलिटी उसके अंदर होना चाहिए, फॉलोइंग ऑर्डर, ऑर्डर मानना पड़ेगा। ये तीन क्वालिटी अगर उसके अंदर है तब तो वो नौकरी कर पाएगा, अगर तीनों क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो वो नौकरी नहीं कर पाएगा। और एसली प्लस बैलेंस में अगर एजुकेशन नहीं है तब भी करेगा। अब कभी लेट आते हैं, बहुत सारे अभी लेट आए तो भी चल रहा, ऑर्डर नहीं मानते, आपका अपलाइन बोलता कि सर इस हफ्ते 100 एसपी करना, किया तब भी ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है, तो दिक्कत है नहीं। लेकिन आज के बाद आप ये नौकरी समझ के करो, जो फॉलोइंग ऑर्डर वाला जो मैसेज है आप इसको 100% मानिए। अगर आपका अपलाइन बोला है कि सर आपको इस हफ्ते में 100 एसपी अपने नीचे ग्रीन करना ही करना है, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं, तो आपने कसम खा लो कि मुझे पूरे हफ्ते में हर बंदे ने 100-100 एसपी ग्रीन करना ही करना है, 1000 का चेक बनाना ही बनाना, हर हाल में 1000 का चेक बने, ये काम करना। अगर हम बिजनेस करते, बिजनेस में रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, टैलेंट होना चाहिए और टाइम देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट यहां पे क्या है, जीरो इन्वेस्टमेंट, हमने जो पूरक का पैसा दिया वो पूरक मिल गया तो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम अगर प्लान दिखा रहे हैं जो लोगों को जाके पेट्रोल जो हमारी फूक रही है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप नौकरी करेंगे तो वहां पे भी पेट्रोल फूकेगा, रिक्स है नहीं कुछ भी, क्योंकि आपका लाखों करोड़ रुपए लगा नहीं तो रिक्स नहीं, कंपटीशन करना नहीं होता है, टैलेंट की आवश्यकता नहीं, जितना टैलेंट है वही है, नहीं तो नकल करके काम चल रहा। टाइम आपके पास जो है, जब है, जिस समय है उस समय आप अगर देते हैं तब भी आपका काम चलता है। दूसरा कहा, अगर हम लीनियर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो अगर देखो फिगर और चार्ट, किसी भी बंदे को समझाने के लिए फिगर और चार्ट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई बंदा, जैसे अभी आपने यहां पे देखा जो रेड है, फोर रेड है, ये क्या आपका पैसा है, इधर आप देख रहे हैं थोड़ा सा वो क्या है आपका वर्क है, वर्क और इनकम। अगर कोई एक साल काम करता है तो वही काम होता है, वही इनकम होता है, ऐसे 5 साल में भी वही काम होता है, वही इनकम होता है, ऐसे 10 साल में भी वही काम वही इनकम, ऐसे 20 साल में, 30 साल में, 35 साल तक बंदा काम करता है वही काम रहता है, वही दाम मिलता रहता है। अगर कोई बंदा सैलरी बढ़ती है तो साथ साथ में महंगाई भी बढ़ता है, इसी वजह से लोगों की जिंदगी बदल नहीं पाती है, सपने पूरे नौकरी से हो नहीं पाते हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का काम है। अगर हम एसली प्लस बैलेंस को लेते हैं दोस्त, आप इस चार्ट को समझो, अगर हम एक साल काम करें कम से कम 100 लोगों को तो एसली प्लस बैलेंस का प्रोडक्ट दे ही सकते हैं। अगर हमने 100 लोगों को एसली प्लस बैलेंस का प्रोडक्ट भी दे दिया तब भी आपकी इनकम 1 लाख रुपए तकरीबन हो जाती है। अगर दूसरे साल में वो 100 में से 95 लोग काम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, तो 100 में से 5 भी करेंगे तब भी आप इंटू 100 दूसरे साल में 500 नए लोग आ जाते हैं, तो इस तरीके से आपका 5 लाख। ऐसे ही चौथे साल में अगर आप देखेंगे, चौथे साल में जाते जाते सॉरी तीसरे साल में 500 में से 450 लोग काम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से 50 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे 3 साल में जाते जाते कि आपके साथ 50 लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े उसी के साथ होंगे जो खुद खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं हमने आईडी लगा लिया, हमने जो हमने 500 लोगों की बात की, 500 की आईडी भी ग्रीन करा दी, लेकिन वो हम टाइम क्या दे रहे हैं, बड़ा स्लो स्लो दे रहे हैं, धीरे धीरे, और हम खुद सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी दिक्कत है, उसका हम चार्ट नहीं समझ सकते। लेकिन जो बंदा एनी टाइम सिस्टम के लिए तैयार रहता है, अपने काम के लिए तैयार रहता है, 12 से 13 घंटे रोज काम करता, तो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल स्लोली स्लोली, तब भी अगर 50 लोग प्रमोटर बन जाते हैं, 100-100 लोगों को प्रोडक्ट देते हैं दोस्त, तब भी आपका नए 5000 लोग आते हैं, इंटू 1000 करेंगे तब आपकी इनकम 50 लाख रुपए हो जाती है आपकी, ठीक है, सॉरी मैं देखा नहीं, तब भी आपकी इनकम 50 लाख है। और ऐसे ही चौथे साल में अगर आपके टीम में नए 5000 लोग आए, उनमें से 4500 लोग काम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 500 करेंगे इंटू 100 कर देंगे तब भी 50000 लोग नहीं आएंगे, इंटू 1000 करेंगे तो 5 करोड़ इनकम होती है।
ऐसे पांचवें साल में जाते जाते आपकी 50 करोड़ भी पहुंच जाती है। ये चार्ट है, चार्ट के हिसाब से समझ रहे हैं तो 50 करोड़ है, और 50 करोड़ नहीं भी आया, अगर 50% भी काम चला तो हमारा 25 करोड़ आया, अगर हमारा 5% भी काम चला तब भी 4 से 5 करोड़ रुपए इनकम हमारी आ जाती है। तो इस तरीके से हम भी चार्ट के हिसाब से समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ट्रेंड के हिसाब से काम करना जरूरी है, जैसे 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड था, 1960 में ऑयल का ट्रेंड था, 1970 में ऑटोमोबाइल का ट्रेंड था, 1980 में कंप्यूटर का था, 1990 में टेक्नोलॉजी था, फिर 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, जैसे वो टीवी चैनल वाले थे, 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड था, और 2020 में हेल्थ केयर उद्योग का था। जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं उनका अभी चलन है, अब चलन के साथ काम करते हैं तो आगे भी काम चलता है। अगर हम पुराने चलन पे जाएंगे, पुराने तरीके से काम करेंगे तो इनकम भी हमारी पुराने तरीके से आएगी, नए तरीके से हमारे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। तो हम लोग सही ट्रेंड में हैं, सही जगह काम कर रहे हैं। इस ट्रेंड में अगर हम 4 से 5 साल मेहनत कर लेते हैं दोस्त, तो हमारे जीवन से, हमारे घर से, परिवार से गरीबी दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप समय के साथ बदलाव करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आपको भी, अब आपको भी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो मीडिया के, जो सॉरी डिजिटल के बारे में सीखना है, जैसे जूम पे प्लान कैसे करना है, जूम पे स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको जूम पे प्लान करना आना चाहिए। जूम पे प्लान अगर कर लेते हैं, आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो आपको और ज्यादा आसान हो जाएगी, तो और ज्यादा जल्दी जल्दी सफल होंगे। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। सक्सेस पाथ मानो रास्ता, सफलता के रास्ते जो होते हैं अगर हम उन पे चलते हैं, जैसे सफलता के रास्ते वो होते हैं जिन पे लोग सफल होके उस रास्ते पे जा करके सफल हो गए, कामयाब हो गए, तो हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो अगर वो पहुंच गए हैं तो हम भी पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ भटकाव मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके वजह से प्रॉब्लम आती है। पाथ, व्हाट इज पाथ, मतलब रास्ता, सही रास्ता कौन सा है, ये चुनाव हम नहीं कर पाते, क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं तो सिंगल रास्ता होता है, लेकिन आगे जाने के बाद जंक्शन आ जाता है। जब जंक्शन आ जाता है तब हम चुनाव नहीं कर पाते किधर जाएं, क्योंकि जो लेके आया था वो भी गलत गाइड कर रहा है, और जो जिसको हम लेके आए फिर वो भी समझा रहा है, वो भी हमको गलत गाइड कर रहा है, और जो हमारा अपलाइन है, जो मेन अपलाइन है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, वहां तक हम बातचीत नहीं कर पाते। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अचीवर अपलाइन से मिलिए, अचीवर अपलाइन को फोन करिए। ये जो जंक्शन में सही वाला रास्ता कौन सा है, मंजिल पे पहुंचने वाला रास्ता कौन सा है, आपको आपके अचीवर अपलाइन आपको रास्ता दिखा देंगे, ठीक है। तो हमें यहां से जंक्शन पे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, जंक्शन कहां से स्टार्ट होता है वो समझो, जंक्शन स्टार्ट हो जाता है चौथे लेवल के बाद, तीसरे तक तो सही आ जाता है, वो एक ही रास्ता होता है, दो रास्ते होते तो वो बंदा पहुंच जाता जैसे तैसे, लेकिन जहां जंक्शन आया अगर यहां से गड़बड़ हुआ तो गलत ट्रैक पकड़ लेगा। तो चौथे लेवल के बाद जंक्शन शुरू, जो अपने अपलाइन के टच में रहता है तो पांचवा हो जाता है, फिर अपलाइन के टच में बना रहता है तो छठवा भी हो जाता है, सातवा आठवा वो होता रहता है जब अपलाइन के, सही अपलाइन के टच में है। लेकिन अगर गलत बंदे के टच में जैसे आया और अपने अपलाइन से झगड़ा शुरू हुआ और डाउट शुरू हुआ, जैसे डाउट शुरू हुआ कोई न कोई गलत गाइड करता है, मैं बता दूं ज्यादा पूछने से भी गलत जगह हम पहुंच जाते हैं क्योंकि डाउट पैदा हो जाता है। तो जंक्शन पे थोड़ा सावधान रहें, अपने अचीवर अपलाइन से सलाह लेते रहें। फिर उसके बाद जब हम चलेंगे भी ना, थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। अगर हम धैर्य नहीं रखते दोस्त, जब हम कोई फसल बोते हैं ना, अगर फसल बो रहे हैं 2-3 दिन इंतजार किया और हमने उखाड़ उखाड़ के फिर देखना, अरे उग नहीं रहा, अरे उग नहीं रहा, अगर हम उखाड़ते रहेंगे फिर गाड़ते रहेंगे, फिर उखाड़ेंगे फिर गाड़ेंगे, तो वो फसल तैयार नहीं होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फसल तैयार हो और हम सफल हों, तो 3 से 4 साल का, 5 साल का धैर्य रखना जरूरी है। तो हर एक बिजनेस में, किसी भी जगह चले जाओ, 4 से 5 साल देना ही पड़ता है, जहां पे जितना निर्धारित समय है उतना देना ही पड़ेगा। अगर कोई बंदा 12-13 घंटा रोज काम करता है तो 1 से 1.5 साल में सही ट्रैक पे, सही इनकम पे आ जाता है, वो चलता रहता है। लेकिन अगर आप सही समय नहीं दे पा रहे हैं, 2 घंटा भी बिजनेस को सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, आप कभी कभी काम कर रहे हैं,
तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको कभी डाउट आता है तो आप अपने अपलाइन के पास जाओ, अपलाइन से पूछो, सर मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आता है। आपका अपलाइन सही गाइड करेगा, आपका अपलाइन सही रास्ता दिखाएगा, और जो रास्ता दिखाता है, जो बताता, उसको मानना भी जरूरी है। ठीक है, तो आज के बाद समझना है कि 4 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, अभी मैं अगर बात करूं तो हर हफ्ते हर महीना कुछ ना कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और बहुत तेजी से ज्वाइन करते हैं। जब मैं स्टार्टिंग किया था, हमारे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, अजीत सर के ऊपर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, अरे मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, लेकिन वो लोग गायब क्यों हो जाते हैं? कारण क्या है? उनके पास पेशेंस नहीं होता है, उनके पास धैर्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो आते हैं फटाफट काम करके, फटाफट अमीर बनने के चाहत में, और उल्टा सीधा काम करके, और वो धैर्य रख नहीं पाते हैं और वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी की बात मानना मतलब इतना बुरा और चीजें लगती, इसी वजह से दिक्कत परेशानी। दूसरा का एटीट्यूड, हमारा जो नजरिया है वो हमेशा बिजनेस के प्रति, अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, टीम के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर देखो जैसे अभी गिलास रखा आपके सामने, और जो पॉजिटिव नजरिया वाला आदमी होगा तो वो बोलेगा आधा गिलास भरा हुआ है, लेकिन अगर वही निगेटिव नजरिया का जो भी व्यक्ति होगा वो बोलेगा आधा गिलास खाली है। तो आप इसको समझिए, बस इतना समझिए, नजरिया जो पॉजिटिव वाला बोलता है गिलास आधा भरा, और निगेटिव नजरिया वाला ये बोलता है कि गिलास आधा खाली है। तो हमेशा हर चीज में हमें पॉजिटिव सोचना। अगर आपका अपलाइन डांटता ज्यादा है तो आपको क्या है, वो पॉजिटिव नजरिया वाला सोचेगा बहुत अच्छा हुआ कि हमें अपलाइन थोड़ा सा कड़क स्वभाव का मिला, हमें अपलाइन कम से कम डांटता तो है। और कहा जाता है जो अपलाइन, जो इंस्ट्रक्टर, जो कोच, वो कड़क स्वभाव का होता है, वो अपने लोगों को सफल जल्दी कर लेता है। और वही अगर नेगेटिव नजरिया का होगा आदमी, अरे ऐसे आदमी के साथ हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि रोज रोज अगर चिल्लाएंगे ऐसे लोगों की हम बात नहीं सुन पाएंगे। सही है, तो इस चीजों को दिक्कत आता, परेशानी आता है। वही अगर जैसे आपके अपलाइन का अचीवमेंट फास्ट होता, और आपका अचीवमेंट अगर फास्ट हो रहा तो आपको जो पॉजिटिव नजरिया वाला, आप वो सोचेगा हम अच्छी टीम में है, हमारे अपलाइन जल्दी जल्दी अचीवमेंट ले रहे हैं, हम लोगों को बता बता के तेजी से काम कर लेंगे। नेगेटिव नजरिया वाला होगा, पता नहीं इनका काम कैसे चलता है, मेरा चलता नहीं है, और इनका अगर किसी को बताएंगे भी तो लोग बोलेंगे इनका चलता है, ये लोग कर गए हैं, तुम्हारा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क आता है, तो हमेशा पॉजिटिव नजरिए से हर चीज को देखने की कोशिश करना। ठीक है, टीचेबिलिटी, हमेशा क्या होता है, देखो सीखते रहिए। अभी संजीव सर ने सवेरे एक कहानी फेसबुक पर डाला था, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कि दो व्यक्ति थे, एक शहर में नौकरी करने गए थे, काफी दिनों तक उन्होंने छोटा मोटा नौकरी किया, फिर वहां से पैसा कमा के दोनों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया, और दोनों का बिजनेस बढ़िया चलने लगा, सफल हो गए, कामयाब हो रहे थे। तो एक बंदे का जो बिजनेस सही चल रहा था, उसने क्या किया, चल रहा था थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गया, एक बंदे का नुकसान होने लगा, काफी पीछे हो गया और मार्केट के वो माइनस प्लस को झेल नहीं पाया। फिर वो सोचने लगा मेरे में क्या गलती है, लेकिन दूसरे बंदे का बिजनेस बढ़ता जा रहा। वो बंदा उसके पास गया, उसने पूछा दोस्त तेरा बिजनेस चल रहा, हमने एक ही साथ स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा नुकसान क्यों हुआ? तो उसने बोला दोस्त जब भी मेरा भी नुकसान होता था लेकिन मैं हर चीज से सीखता था, जो लोग आगे चल रहे हमसे उनसे भी सीखते हैं, हम नीचे वाले से सीखते हैं, मैं हर बंदे से सीख करके आगे बढ़ता हूं, आगे काम करता हूं। तो उसने भी सीखा, उसने भी यही चीज सीखी कि आज के बाद मैं डेली सीखूंगा, डेली पढ़ूंगा। दोस्त हम लोग आ जाते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि नौकरी के लिए पढ़ रहे थे, अब नौकरी तो लगी नहीं, और असली पे बैलेंस में पढ़ने की क्या जरूरत है। और अपलाइन जब ट्रेनिंग देते हैं तो वहां पे हम जाते तो हैं लेकिन ध्यान से सुनते नहीं है, कॉपी में लिखते नहीं है, जो बताया जाता है उस पर अमल नहीं करते हैं। देखो सीखने के बाद उस पर अमल भी तो करना जरूरी है, तो हमेशा सीखिए, उस पर अमल करिए और दोस्त आगे बढ़िए। ठीक है, होनेस्टी, ईमानदारी बहुत जरूरी, ईमानदारी है, एथिक्स है, रिस्पेक्ट है, ये बहुत जरूरी है दोस्त। क्योंकि देखो जब तक आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, टीम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हाँ हेलो, हाँ क्या हो गया है,
अरे आपका नेट खराब है, आवाज आ रही ना विपिन सर? हाँ यहाँ पे दिक्कत नहीं है उनका आवाज, वहां का नेट का प्रॉब्लम हो जाता। तो देखो ईमानदारी भी जरूरी है, ईमानदारी अपने काम के प्रति। देखो अगर सुबह हम जगते हैं, जगने के बाद आपका अपलाइन आपके घर में नहीं है, अपलाइन आपको मैसेज कर सकता है, अपलाइन आपको फोन कर सकता है, अपलाइन आपको बता सकता है कि सर फील्ड में जाओ, सर प्लान करो। मैं देखता रहता हूं विपिन सर आपको बार बार मैसेज करते हैं, बार बार फोन करते हैं। कुछ लोगों को इसमें भी गुस्सा आता होगा कि बार बार अपना मैसेज करते रहते हैं और खुद करना नहीं, हमें ही करवाते रहते हैं। मैं भी जब पार्ट टाइम में था, पार्ट टाइम में मैं मैसेज करता रहता था, बोला सर फील्ड में तो जाते नहीं, मैसेज पे काम चलवाना चाहते हैं, तो ऐसा चलता रहता। लेकिन दोस्त अगर आप काम के प्रति, जब मैं पार्ट टाइम में था तो अपने काम के प्रति ईमानदार था, जब भी मुझे टाइम मिलता था काम करता था, जब भी मुझे टाइम मिलता मैसेज करता था, कॉल करता था, और बार बार कॉलिंग कर करके आगे काम बढ़वाता था। तो आप भी जो एथिक्स जो नियम है और रिस्पेक्ट के साथ, होनेस्टी के साथ हमें आगे बढ़ना है, सफल होना है, ईमानदार रहिए, हमेशा ईमानदारी रखिए दोस्त, ईमानदारी के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हमारे पास क्या ड्रीम होना बहुत जरूरी है, हर आदमी के सपने हैं कि नहीं, बाहर घूमने जाए। अभी देखो शिमला, आप मनाली जाएंगे वहां पे भी बर्फ दिखाई देगा, तो अभी मनाली का टारगेट चल रहा बर्फ दिखे हो। स्विट्जरलैंड का जब ट्रिप हो जाएगा आप वहां पे बर्फ ही बर्फ देखेंगे, तो उसके लिए 11वां लेवल करना बहुत जरूरी है, स्विट्जरलैंड देखना जरूरी है। दूसरा कहीं घूमने जाओ, होटल्स वगैरह में जाओ, फ्लाइट में सफर करो, हमारे पास अच्छी बाइक हो, अच्छा घर हो और अच्छी कार हो, कार नहीं कार एक लग्जरी कार हो, ये सब कुछ अगर मुमकिन है दोस्त, असली पेस बैलेंस में सब कुछ मुमकिन है, सब आसान है, सब इजी है, कुछ नहीं करना, बस लोगों से बातचीत करना। लोगों से बातचीत करने से अगर हमें देश विदेश की यात्रा मिल रही है, हमारे अच्छा घर मिल रहा है, फ्लाइट का सफर मिल रहा है करने के लिए, अच्छी गाड़ी हम खरीद पा रहे हैं, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धुआंधार करना चाहिए, सिर्फ बात करने से मिल रहा दोस्त। आप बताइए यहां पे हमारा लगा क्या है, कर क्या रहे हैं? अरे 10-15 हजार के हमने प्रोडक्ट खरीदे, वो भी जिसने कुछ कुछ लोग तो हमारे ऐसे जिन्होंने 16 हजार के खरीदे और 18-19 हजार के बेच भी दिए, फ्री हो गए, और रोजाना कहीं ना कहीं एमआरपी पे इधर उधर बेचते रहते। तो हम लोग भी यहां पे काम करके सफल हो जाएंगे। कि आपका हमेशा से सपना रहा है कि आपके पास अपना एक घर, एक बड़ी कार, स्टाइलिश मोटरसाइकिल, विदेश यात्रा करने के अवसर, एवं आपका अपना व्यापार हो। जब पैसा होगा तभी तो हम खुद का कोई व्यापार डाल पाएंगे। आओ इसे हमारे साथ मुमकिन करें, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है, भरोसे में ही सफलता है। बेसिक वर्क इसके लिए करना क्या है, लिस्ट बनाना है, जिन लोगों को जानते हो उनकी लिस्ट बनाओ, अगर वो लिस्ट खत्म हुई तो रोजाना 5 लोगों की लिस्ट बनाओ, रोजाना उन लोगों का प्लान करो, रोजाना फिर प्लान करने के बाद उनका फॉलोअप करो। 3 काम करना, लिस्ट प्लान फॉलोअप, लिस्ट प्लान फॉलोअप, लिस्ट प्लान फॉलोअप, और 5 साल तक ये इसका चिल्लाते रहो धुआंधार तरीके से, लिस्ट प्लान फॉलोअप, लिस्ट प्लान फॉलोअप। सवेरे से जाके लिस्ट बनाओ 5 लोगों की, शाम तक 5 का प्लान करो, शाम का 5 तक फॉलोअप करो। ये अगर आप बड़े लोगों की तरह, बड़े बिजनेस लोगों की तरह भी अगर आप भी अगर 1 साल भी कर लेते हैं लिस्ट प्लान फॉलो, जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, सुबह जगते ही अपनी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद रोजाना काम करते हैं, डेली 17-18 घंटे भी काम करते हैं, 12 घंटे डेली काम करते करते हैं। अगर हम भी ऐसा समझें कि हमारी बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा शोरूम है, लाखों करोड़ों रुपए मेरा भी लगा हुआ है, मेरा भी फंसा हुआ है, अगर इस तरीके से आप अगर 1 साल भी कर देते दोस्त, तो 1-1 साल में आप 20-20 लाख रुपए कमा जाएंगे, 1-1 साल में 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख, 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए कमा जाएंगे, तो कौन सा नुकसान है? अगर आप देखें अच्छे पढ़े लिखे लोगों को 10 लाख रुपए का पैकेज नहीं मिलता, वही हम, और इसको करने के लिए थोड़ा सा माहौल को बदलने की जरूरत है। इसको करने के लिए आपको या तो अपने घर का माहौल ठीक रखिए, अगर घर का माहौल ठीक नहीं रख रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह कमरा लेके रखिए, कमरा लेके रहिए, रूम पे रखिए, अपने टीम को भी रखिए, खुद भी रहिए। जो भी आपकी कोर टीम है, जो भी आपके मेन लीडर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, खुद भी एक रूम लीजिए और उनको अपने साथ बाहर सिटी पे रखिए। वहां से क्या हुआ,
दूसरे सिटी में भी जाना आना आसान होगा। सिटी में जो काम होता है, सिटी में क्या है, लोग बाहर के भी रहते हैं, तो बाहर के जो लोग रहते हैं उनको जब प्लान दिखाओगे, उनको ज्वाइन कराओगे, तो वो दूसरी जगह भी बिजनेस पहुंचा देगा आपका। और गांव में बाहर के लोग नौकरी करने नहीं आते हैं, सिटी में ही लोग बाहर के नौकरी करने आते हैं, इसी वजह से सिटी में काम करना ज्यादा अच्छी बात। गांव में लोग ज्वाइन तो हो जाएंगे लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका माहौल बदल नहीं पाता, वो काम ही नहीं कर पाते, वो घर से ही नहीं निकल पाते हैं। आप ही खुद देख लो कितना निकल पा रहे हैं। अगर हमें चाहिए कि टाइम से निकले और टीम भी हमारी काम पे निकले, तो आपको माहौल सेट करिए, कई रूम लेके रहिए, अपने कोर टीम को, अपने मैनमेन लीडर को अपने साथ रखिए, महीना दो महीना उनको ट्रेंड करिए, उनको सिखाइए, रोज आना ट्रेनिंग करिए, अपलाइन को भी बुलाइए, हफ्ते में एक दो दिन ग्रुप मीटिंग करवाते रहिए, इससे क्या होगा। लेकिन रूम पे रहिए, सिर्फ बिजनेस की काम करिए, सिर्फ बिजनेस की ही बात होना चाहिए। लेकिन रूम पे रहने के बाद तुम्हारे 70 पचड़े शुरू हो गए, तो तुम बन जाओगे वहां पे वो जो ना चतुर्भुज, और चतुर्भुज आदमी कभी भी सफल नहीं होता। तो रूम पे सिर्फ बिजनेस की बात होना चाहिए और कोई भी काम नहीं। दूसरी, क्या आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, जो गलतियां हैं इनको आपको समझना जरूरी है। जब प्लान दिखाते हैं आप, तो ये गलती तो नहीं हो रही है। नंबर वन, सबसे पहले गलती आप ये कर रहे होंगे कि आप लोगों से कम मिल रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति कम लोगों से मिलेगा, कम लोगों से बातचीत करेगा, कम लोगों को प्लान दिखाएगा, कम लोगों को बुलाएगा, तो उसके साथ कम ही आएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे साथ लोग ज्यादा आए, तो हमें ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। जब भी आप प्लान दिखाएं, तो पहले अपने बारे में बताएं। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो वहां पर तुरंत शुरू मत हो जाओ, फोल्डर निकाला, बस अपना जैसे टीवी चैनल में रिमोट दबाया और न्यूज वाला वहां पे चिल्लाना शुरू किया। जो चल रहा था प्रेजेंट टाइम में, किसी पिक्चर में धुआंधार फाइट चल रही थी या किसी में फायरिंग चल रही थी, तो जैसे टीवी चलाते ही फायरिंग स्टार्ट, जैसे आप वहां पे बैठे और आपका वहां पे फायरिंग स्टार्ट नहीं करना। पहले अपने बारे में बताओ, फिर उनके बारे में जानो कि वो क्या चाहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या अभाव है, वो सबसे ज्यादा किस चीज को चाहते हैं, उनका सपना क्या है, पैसा है तो उनके ड्रीम क्या क्या है, वो जानने का प्रयास करो। प्लान के समय उनको बात करने का मौका दें, कोशिश करें कि वो भी बोले, हां हां करवाते रहिए। ऐसा नहीं आप ही आप बोल रहे हैं, वो बोल रही नहीं रहे, और उनका जब बोल नहीं रहे तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। बुलवाने का मतलब है उनका इंटरेस्ट आपके साथ बढ़ना चाहिए, आपके प्लान में बढ़ना चाहिए। अगर कोई पूछता, सर अगर ये 600 रुपए देंगे तो हमें आईडी कब देनी पड़ेगी, सर हमारा काम कब से स्टार्ट होगा, सर ये पूरा किस में काम करता, सर ये इतने लोग और नए चाहिए कि पुराने चाहिए, सर दूसरे लेवल में टोटल कितने चाहिए, का मतलब है अगर वो पूछ रहा है तो इंटरेस्ट ले रहा, अगर ये नहीं पूछ रहा तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो आपको क्या करना, फिर इंटरेस्ट बढ़वाना है, उनसे बातचीत करना। सर आपको लग रहा समझ में नहीं आया, सर मैं दोबारा बताता हूं, सर लग रहा आपको समझ नहीं आया, सर मैं दोबारा बताता हूं, इस तरीके से इंटरेस्ट बढ़वाइए। फिर क्या है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके से समझना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में जानकार है और उसने प्लान वगैरह कहीं देखा काम किया है, तो उसको पूरा पहले वाला प्रोडक्ट वाला और उसको जानकारी नहीं चाहिए, तो उनको पहले बिजनेस प्लान बताओ, पहले पैसा कैसे कमाना वो बताओ। अगर ऐसा है कि आप धीरे धीरे प्लान दिखा रहे और वो स्पीड से सुनना चाह रहा, तब बात नहीं बनेगी। आप स्पीड से समझा रहे हैं, वो धीरे समझना चाहता है, तब भी बात नहीं बनेगी। ये जानने का प्रयास करो, वो किस तरीके से समझना चाहता है, उस तरीके से समझाओगे तो समझना और आसान होगा। आपको प्लान में डायरी, पेन और फोल्डर का इस्तेमाल जरूर करना, मोबाइल का नहीं करना, लैपटॉप का अगर है आपके पास तो लैपटॉप का इस्तेमाल करिए, लेकिन डायरी में लिख लिख के बताइए, फिर आप फोल्डर के हिसाब से बताइए। होता क्या, लिखने से और दिखाने से उसको ज्यादा समझ में आता। मुंह जवानी वर्बली प्लान मत दिखाओ, सर हमारे साथ आइए, 4 साल आप काम करेंगे, 4 साल में जिंदगी बदल जाएगी और आप ऐसे हो जाएंगे, आपका वहां हो जाएगा, उससे जिंदगी नहीं हो। आपका काम है, प्लान फोल्डर होना चाहिए आपके पास, डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, लिख लिख के बताना। जैसे मैंने वो चार्ट बताया ना 5 साल वाला, तो वो 5 साल का चार्ट उनको लिख लिख के बताइए, नौकरी वाला भी बताइए, सब कुछ बताइए। जैसे एक आदमी अगर कोई 10,000 की नौकरी करता है, अगर 10 की करता है, साल में कमाएगा 1,20,000 रुपए, सर 1 साल में कमाया 1,20,000,
सर अगर वो बंदा 40 साल नौकरी करता है तो 1,20,000 इंटू आप कर दो 40, तो टोटल वहां आया 48 लाख। सर एक आदमी 10,000 कमाने वाला पूरी जिंदगी में कमाता है 48 लाख रुपए। और आप सर अनु सर को देख लीजिए, उन्होंने 5 करोड़ रुपया कमा लिया अभी तक 40 साल में, तो सर उनकी जगह हमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो ये चीज भी आप लिखित में बताइए, लिख लिख के बताइए, ठीक है। मोबाइल ऑफ हो उनका भी या साइलेंट मोड में है पहले चेक करना, क्योंकि उनका मोबाइल भी उनको डिस्टर्ब करेगा। और वहां पे घर में या कहीं भी है तो माहौल भी शांत होना चाहिए। जिस घर में है उसमें बर्तन बार बार खड़क रहे हैं, उनका कोई बच्चा रो रहा है, कोई जबरदस्ती कहीं भी बीवी भी बार बार बर्तन पटक रही है, तो आपका प्लान ऐसे ही कोई नहीं सुनेगा। तो ये चीजें हैं तभी प्लान शुरू करो, फालतू में टाइम बर्बाद मत करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखिए, बॉडी लैंग्वेज भी आपको सही रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कहना कुछ चाह रहे हैं और बॉडी कुछ बोल रही है, आपके मन में कुछ चल रहा है और बोल कुछ रहे हैं। जब आपके मन में कुछ चलता है तो बात सही निकलती नहीं है। तो हमारे जो मन में है असली फैसला लेता, तो पहले एकाग्रित करिए अपने आप को, एकाग्रचित करिए, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड रहिए, तब आप प्लान दिखाएंगे। और घबराहट में मत दिखाइए, जल्दीबाजी में मत दिखाइए, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए प्लान दिखाना, ठीक है। रिलैक्स बैठिए, डर किसी का है नहीं, कोई गोली मारेगा नहीं, कुछ भी खतरा है नहीं, तो क्यों डरना? आपसे ज्यादा वो जानता नहीं है, ये भी टेंशन नहीं है, ठीक है। घबराहट नहीं होना चाहिए। फिर आपको प्रोफेशनल दिखना बहुत जरूरी है, उसके लिए ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना जरूरी है। देखो जब तक हम प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे तब तक काम भी बड़ा होने वाला नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें भी प्रोफेशनल दिखना। अगर आप कोट पेंट पहन के नहीं जा रहे हैं लेकिन आप तब भी ब्लैक पेंट हो व्हाइट शर्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो शूज है वो पॉलिश वाला ही हो, वो वाला स्पोर्ट शूज ना हो। स्पोर्ट शूज नहीं पहन के जाना है, ब्लैक पेंट और आपने व्हाइट शर्ट पहन के जाना, टाई नहीं भी लगाए तब भी अच्छे लगेंगे। लेकिन जींस में टी शर्ट में लोवर में किसी को प्लान दिखाने मत जाइए। इस ड्रेस में अगर किसी को प्लान दिखाते हैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, आपसे ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं इसको सुधारिए, इसके हिसाब से काम करिए, काम तेजी से होगा, ठीक है। अब क्या है 5 गोल्डन रूल ऑफ फॉर सक्सेस, 5 रूल है, इसको भी आप समझ लीजिए। क्या है रूल नंबर 1, सी मोर पीपल। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा सर काम नहीं चल रहा, हमारा क्या है बहुत दिन हो गए हमारा काम बड़ा धीरे धीरे चल रहा, तो हमें क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। जो जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा, जो जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएगा, उसका उतना ज्यादा काम चलेगा। क्या है एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व विथ इंक्रीज एक्टिविटी। जब हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारा चेक नहीं बन रहा है, हमारा मनाली टारगेट नहीं हो पा रहा है, तो एक्टिविटी को बढ़ाइए। जब तक हम एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो काम होने वाला ही नहीं। एक्टिविटी क्या है कि प्लान फॉलोअप की एक्टिविटी करनी, मीटिंगों की एक्टिविटी करनी, ट्रेनिंग की एक्टिविटी करनी है। लोगों को बुलाइए, अपलाइन को बुलाइए, ट्रेनिंग करिए, ग्रुप मीटिंग करिए, FIM करिए, ये एक्टिविटी बढ़ाइए, बिजनेस का एक्टिविटी बढ़ाइए। वो बंदर वाला एक्टिविटी नहीं बढ़ाना, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, वो वाला एक्टिविटी नहीं। डबल योर नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप लगो लगता है बिजनेस मेरा स्लो चल रहा, मेरा बिजनेस टूट रहा, तो आप प्रेजेंटेशन को डबल कर दो। अगर आप 3 प्लान रोज करते हैं तो 6 प्लान रोजाना करना शुरू करिए, 5 कर रहे तो 10 प्लान, 10 प्लान, 10 प्लान, टावर तोड़ प्लान करिए, टावर तोड़ प्रेजेंटेशन शुरू करिए। इंक्रीज योर आउटपुट। अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना है तो उसके लिए इंक्रीज एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट ज्यादा लेने के लिए, जैसे अभी कई बोर है, मोटर चल रही, इंजन चल रहा, तो अगर हम चाहते हैं कि पानी तेजी से निकले तो इंजन का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। हमारी गाड़ी है 80 की स्पीड पे चल रहा, अगर हम चाहते जल्दी पहुंचे तो उसके लिए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको भी एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। फिर क्या करना है, टॉक टू एवरीवन, सबसे बात करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 1, सी मोर पीपल, टॉक टू एवरीवन, हर किसी से बात करिए। वहां छांटो मत कि ये बंदा तेजी से काम करेगा, इसको प्लान दिखा, अरे ये तो सुनेगा नहीं मेरी बात को, इसको विश्वास नहीं, अरे ये तो कम पढ़ा लिखा है, अरे ये तो ज्यादा मोटा है, ये ज्यादा पतला है, ये तो लेडीज है, ये तो जेंट्स है,
ये मत छाटो, हर किसी से बात करो, हर किसी को प्लान दिखाओ, हर किसी को समझाओ जिसके पास मिलने की फुर्सत है। एवरीवन, सबको प्लान दिखाइए एक साइड से, सबको जो सामने दो पैरों पर चलता हुआ मिल जाए, मतलब इंसान आपको नजर आए इंसान है, और उसको मिलिए, उससे प्लान दिखाइए, उससे मिलिए, उसको प्लान दिखाइए, उसको इनवाइट करिए, बिजनेस के बारे में बताइए उसको, ठीक है। पहला नंबर रूल। दूसरा नंबर है ये भी, सी मोर पीपल। इसमें क्या है, इफ यू डोंट सी प्रोस्पेक्ट यू आर आउट ऑफ बिजनेस। अगर आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे, ज्यादा लोगों से कॉलिंग नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी इस गेम से आप बाहर हो जाएंगे। धीरे धीरे बहुत सारे लोग बाहर हो गए क्योंकि वो लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों को प्लान दिखाना बंद कर दिया। जब प्लान दिखाना बंद हो जाते, मिलना बंद होते, तो धीरे धीरे एक्टिविटी बंद हो जाता, तो बहुत जल्दी वो बंदा बिजनेस से बाहर हो जाता। उसके लिए करना क्या, कीप कॉलिंग मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करिए, इनवाइट करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के लिए। आप कितने भी अच्छे प्लानर क्यों ना हैं, लेकिन प्लान करेंगे ही नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। आप कितनी भी अच्छी बात कर लेते हैं, जब बात ही नहीं करेंगे, किसी को फोन ही नहीं करेंगे, तो कौन आएगा। तो हमें क्या करना, जब दूसरा नंबर रूल क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करिए, इनवाइट करिए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए। तीसरा रूल है, रूल नंबर 3, सी मोर पीपल। ये भी आता, बहुत से लोग अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। असली पोटेंशियल तक माना उनके अंदर वो क्षमता है कि वो यहां से इतने जल्दी सफल हो जाते, लेकिन उस पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते, वो उनके अंदर वो निकल के नहीं आता। कुछ लोगों को लगता है कि लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं, कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, नए बंदे जब ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, उनको लगता है मैं उनको समझा नहीं पाऊंगा, मेरे कोई भरोसा नहीं करेगा, मेरी कोई बात को नहीं मान रहा। बात वो नहीं कि आप समझा नहीं पा रहे हैं, असली बात वो है कि आप उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जो लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे। जब अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको भरोसा करें, विश्वास करें, तो आपको पहले वाले रूल पे, दूसरे वाले रूल पे काम करना, सी मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपको प्लान करना नहीं आता इसलिए बंदे ज्वाइन नहीं हुए, आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे इसलिए लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि आप कितने लोगों से मिल रहे, बस, ठीक है।